102 वर्षीय नर्मदा परिक्रमा कर रहे संत के मुख से सुनिए कबीर की अमृत वाणी। गुरु ही लगाता आपके जीवन की नैया को पार। भगवान ने भी प्रत्येक अवतार में गुरु को ही किया है आगे। पौराणिक रूप से प्रसिद्ध मार्कंडेय आश्रम में चातुर्मास कर रहे 102 वर्षीय परिक्रमावासी संत से आप पहले से ही परिचित हैं। इतनी उम्र में पैदल परिक्रमा करना, चेहरे पर व्यापक तेज और बोलने के दौरान उनकी बुलंद आवाज, यह पहचान बन गई है। आज पुनः इनके चरणों में बैठने और इनके सानिध्य का अवसर प्राप्त हुआ। अपने आप को हमेशा छोटा बताने वाले इन संत ने ऐसी रहस्य भरी गंभीर बातें बताई जिनका वैज्ञानिक साक्ष्य भी मिलता है। इन्होंने बताया कि कैसे ब्रह्मांड और हम एकाकार हैं। जो ब्रह्मांड में है वही हमारे भीतर भी है। जिन 5 तत्वों से ब्रह्मांड की रचना हुई है उन्हीं तत्वों से हमारे शरीर की भी रचना विधाता ने की है। भगवान ने भी प्रत्येक अवतार में गुरु को ही आगे किया है। कैसे उन्होंने अपने श्रीमुख से संत कबीर की वाणी सुनाई, लीजिए आप भी इस अमृत वाणी को सुनिए और ज्ञान के माध्यम से अपने अंदर के जीव को प्रकाशित कीजिए। हम कहां से आए? गृहस्थी से। गृहस्थी से हम तो निकल निकल के, ये रास्ता सदगुरु मिल गया, उसने रास्ता से बदल के आए कांटा आए मैं जनो था। अरे यहाँ ये खाबड़ खोबड़ जगह है, इधर मैं जाती रोड है चले जा, रोड निकाला उसने बड़ी अक्लबंद से निकाला है, तू रोड है चले जा, वहाँ खाड़ा खुड़ी नहीं मिलेगा, वहाँ कांटा बुटी नहीं मिलेगा। तो इसमें राम कृष्ण से कौन बड़ा जो उनको गुरु खीन, तीन लोग के वो धनी, तो वो भी गुरु के आगे आधीन। राम ने 10 अवतार लिया, आगे पहला गुरु किया, 10 अवतार में देख लो भगवान ने गुरु की दा, भगवान के कई एंड पीढ़ी तो गुरु क्रिया बना नहीं यानी संसार के लिए, ये संसार गुरु कर लेगा नहीं तो बिगड़ेगा नहीं भाई, तो संसार तो बिगड़ी नहीं भाई, कहा के नशाबाजी के लिए, नशो एक नशो नहीं, धन को नशो, जवानी को नशो, माया को नशो, परिवार को नशो, अपने वैभव को नशो, कहें अहंकार को नशो, मदिरा मांस को नशो, गांजा भांग को मन, कहें सब नशा है। ये नशा त्यागो, आनंद से करो, क्या काम है? आपके लड़का भगवान ने दे दिया और कमैरी का भैया उसको पनाही पठे दिया, आपके क्या काम है घर से? आप क्या कर सकोगे उसका भविष्य में? नहीं देगा तो दंड में दे देगा, क्या करोगा आप? हो इतने रखवाली कर लोगा काय के लिए? वह अपनी आत्मा जलाने के लिए, अपनी खराब कमाई, वह खराब कमाई जले गई, वह फिर वह आत्मा जलावे, वो बदलो लेवा आयो जी। पुत्र बन के सही। ये सब भाग से बनता है, ये सब तपस्या से बनता है। हम राजगुरु हैं, हम साधु नहीं हैं। राजा का फकीर बना दें और फकीर का राजा बना दें, क्यों? शुरों से राजा लोग को पहला गुरु करता, कहीं एंड पुणी दो तो गुरु राजा को हाथ पकड़ ले, बस उसने गुरु ने उन्हें कहा आगे आ जाने में पड़े, क्यों कि वो तो संसारी में फंसा हुआ है, उन्हें सारे दिन पाप करना पड़ता है और सांझ का उसको सत्संग में बिठा दो, सत्संग से शब्द की दई दई शब्द, अरे सतगुरु भाल मारियो लागो मारा कलेजा माई, खेचू तो खेचाई नहीं रे वैयो आरम पार साहेब, ताके भरोसे चाले मारी नाव, हाँ ताके भरोसे चाले मारी नाव, अरे सतगुरु ना समदा का मोती,
मैं गलिया को नीर, ये सतगुरु समदा का मोती। मैं गलिया को नीर, अरे ओ नीर जाइने गंगा में मलियो रे कंचन वही गयो शरीर सायो। ताके भरोसे चले मारी नाव, अरे नावे चलाड़ो सही है, नहीं तो किनारे पड़ी या तो इसमें ना खेवटियो बही जा तो थक पार कर दे। तो गुरु खेवटियो है या नाव है, सतगुरु ताके भरोसे चले मारी नाव। हाँ यो भव सिंधु अति ऊंडो गेरो घनो रे, क्या क्या शब्द बनाया तुमने यार, भगवान सरस्वती ने बहुत बढ़िया किया शब्द के ऊपर शब्द अभी। हाँ यो भव सिंधु अति ऊंडो गेरो घनो रे, अद्विष भमर मारी नाव सतगुरु, या अद्विष भमर मारी नाव, या कसविधि लागे पार, काम क्रोध लोभ मोह मगर मच घना रे, विष में खवाने तैयार, साहेब जी कसविधि लागू पार, ए साहेब कसविधि लागू पार। हाँ यो भव सिंधु अति ऊंडो गेरो घनो रे, या विष भमर हमारी नाव, अरे नघा करू तो नजर नी आवे ओ किनार, सायब जी कसी भी दिलागू पार। यो भव सिंधु अति ऊंडो गेरो घनो रे, या बेपुटी टूटी पुरानी मारी नाव, यो सतगुरु या टूटी पुरानी मारी नाव, या कसी भी दिलागे पार, अरे ज्ञान छाटली प्रेम वादड़ा, ज्ञान छाटली प्रेम वादड़ा, इस सतगुरु खे वनहार, असविधि लागो पार, सायब थाके भरोसे चाले मारी नाव, हे प्रभु जी थाके भरोसे चाले मारी नाव। हाँ अब या पुरानी नाव कसिवी लागे पार, नगा करूं तो नजर नहीं आवे वो किनार, अरे सतगुरु टलो मारियो रे वही पहले पार, साहेब जी थाके भरोसे चाले मारी नाव। ये तो भगवान के भरोसे नाव है, अनिको खेवटियो सही है, ती कई माँ खेवटिया मिले थे ने, यो मी खेवटिया वगड़ी ने भैया, अनि मतलब लागिया धन कमावा लागिया, ये खाना खावा लागिया, कई माँ को क्रम नहीं है, माँ के भी थोड़ी दया दोने के भाई अतुल मत लाओ, जो मुंडा माँ मावे पेट में मावे अतुल लाओ तो अच्छा है, वो काम में आवे। अब हम तो कोटा भर रहे इन नशाबाजी से, उसने कहा कि तू नशाबाजी से सबको दूर कर जी। तो स्वयं मीज वगड़ी ने भैया ने मीज ठोकवा लगा, तो पचास आदमी माँ के मेरे भैया हो, मैं डेढ़ महीने वही हूँ, कोई नहीं आवे यहाँ का, आप दो चार जना ही मंडला का आवे, नहीं जो बाहर का आवे ये आवे, यहाँ गांव का कोई नहीं आवे, और ज्ञानी आश्रम का ही वहाँ 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 पे ज्ञानी वे क्यों कि विवन शांति में मैं उसके तो भी आपने मैं वहीं भी हूँ, आई आई मत कोई आवे तो आप बोला आवे तो मैं कड़ी दुकान का हो साधु दुकान का हो के नशा दुकान का हो के नशा वो कर और साधु के संति में या दूरी आओ बैठो। ठीक है महाराज जी, साहिब बहुत नरो करो शुभ सतनाम की साहिब सतगुरु भगवान की साहिब।